एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक, ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा गया है, करा जा रहा है, इस चीज को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर। सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि दिन की शुरुआत इन्होंने किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी है, किस किस विषय को लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा वरी रहे हैं या किस किस विषय को लेकर इस इंसान ने काफी ज्यादा ओवर में थिंक करा है, उस चीज को व्यूअर्स मैं पहले देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी है। सबसे पहले है डर्टी ऑफर, अनफेस्ड थीफ, बॉस, डैडी, कार्मिक फ्रेंड, बॉटम की एनर्जी है, टोकिंग बुली। देखो आपके पार्टनर को ना अब ये चीजें फील हो रही हैं कि इनसे काफी लोग नफरत करने लगे हैं, काफी लोगों की नजरों में ये काफी ज्यादा उतर गए हैं, या वो काफी लोग जो भी हैं वो इनके लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हैं या इनको लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। आपके पार्टनर हो ना हो व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ कार्मिक फ्रेंड्स या फिर ये समझ लो काफी क्लोज्ड तो वो पर्सन है लेकिन उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डर्टी गेम यहाँ पर खेल गए या काफी ज्यादा डर्टी गंदा यहाँ पर इनके लिए या आपके लिए भी यहाँ पर ऑफर रखा गया जिसमें आपके पार्टनर पूरी तरह से फंसकर रह गए हैं। आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पर उन्हीं चीजों को लेकर एक ऐसी फीलिंग है कि जैसे भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिन पर इन्होंने सबसे ज्यादा आंख बंद करके भरोसा करा कहीं ना कहीं उन लोगों ने इनके भरोसे को इस तरह से चकनाचूर करा है जिसके चलते सिर्फ इनके हिस्से टेंशन या उनसे एक दुश्मनी जैसी फीलिंग इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हो गई है। देखो आपसे तो आपके पार्टनर डेफिनेटली काफी दूर चले आए हैं या आपको तो इन्होंने ऑलरेडी एक वक्त पे काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी है, या यूं कहो तो आपकी जिंदगी में ये पर्सन कुछ बहुत कुछ चुरा कर चोरों की तरह ये आपकी जिंदगी से तो चले गए, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी में जिस भी तरह से स्टेबिलिटी, पैसा, अबेंडेंस ये सब चीजें पाई है ना, वो सभी चीजें गलत तरीके, गलत पैटर्न के वे में पाई है। और अब यहाँ पर आपके पार्टनर ऑब्वियसली उन चीजों से कैसे और कब तक अपना भला कर सकते हैं, वही सभी चीजों को लेकर आपके पार्टनर ने अपने दिन की शुरुआत करी है। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि इन लोगों के इन्फ्लुएंस्ड में आकर इस इंसान ने आप पर भरोसा नहीं करा और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके सामने भी कोई ऐसा डर्टी ऑफर रखा जो आपका भी मानना, स्वीकारना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा बनता जा रहा था। अब उन सभी चीजों को लेकर भी आपके पार्टनर काफी ज्यादा
सोच विचार करते हैं, मतलब वो चीजें इन्हें काफी ज्यादा अपनी करनी का एहसास यहाँ पर दिला रही हैं, या उन सभी चीजों का असर इन्हें अब अपनी जिंदगी पर पड़ता हुआ ज्यादा फील हो रहा है, या यू कहो तो अभी उन चीजों को उन चीजों से रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसी वाइफ्स इनकी अपने दोस्तों को लेकर या उन अपनों को लेकर ज्यादा आ रही है जिन्हें इन्होंने अपनों से भी बढ़कर माना है कि भाई जैसे कि वो होता है ना कि डायन भी चार घर छोड़कर हमला करती है, फिर यहाँ पर तो इनके दोस्तों ने कहीं ना कहीं अपने दोस्त का ही घर जला लिया, वैसी फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पर अपनी नई शुरुआत के साथ यहाँ पर बन रही है। चांसेस ये बन रहे हैं कि जो भी दोस्त आते वो कहीं ना कहीं या तो आपसे कंपटीशन रखते थे या इनसे कंपटीशन रखते थे, जेलेसी रखते थे, और उसी रीजन के चलते उन दोस्तों ने आप दोनों के बीच में यहाँ पर फूट डलवाई है। उन दोनों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों की बैक के पीछे कुछ ऐसे काम करे हैं जो आपके पार्टनर को तब तो नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन अब ये सभी चीजें आपके पार्टनर को अपनी तरफ एक नेगेटिविटी का असर पड़ते हुए फील करा रही है। मतलब कि नेगेटिविटी आई तो आई कहाँ से, या ये सभी चीजें इनकी जिंदगी में आई तो आई कहाँ से, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी नई सुबह के साथ काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि ये सभी सोच आपके पार्टनर को आपके लिए काफी ज्यादा ऑब्सेस भी कर रही है, यानी कि व्यूअर्स आपके पार्टनर अब आपको लेकर इन सभी चीजों को जानकर समझकर अपने अंदर तो आपको लेकर ऑब्सेशंस पा रहे हैं, लेकिन आपके दिल में इनको लेकर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर जो भी परिभाषा है वो बदलते हुए पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं अब ये रिश्ता टॉक्सिक, अनहेल्दी या आपके लिए खतरों से कम नहीं है उस तरह से नजर आ रहा है। रीजन ये पर्सन उन सभी चीजों को लेकर अपने आप को मान रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ ऑफर ही ऐसे रखे जो डेफिनेटली यहाँ पर इनकी असलियत, इनके डार्क साइड, इनके गलत बिहेवियर, इनकी टॉक्सिसिटी को यहाँ पर डिनोट करता है। तो अब अगर ये पर्सन अपने ऑब्सेशन को, अपनी पॉजिटिवनेस को आपके सामने रखते हैं ना, तो डेफिनेटली आप उस पर शत प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाओगे। उन्हीं चीजों को लेकर आपके पार्टनर आपकी तरफ से भी अपने लिए काफी ज्यादा नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस इस तरह से वाइब्स फील कर रहे हैं। तो वो फीलिंग इनकी नई सुबह के साथ है कि किसी के होकर नहीं रहे हैं। ओवरऑल इनकी जो भी रेपुटेशन थी, जो भी इमेज थी, जो भी चाहत थी, वो सब यहाँ पर पूरी तरह से धूमिल हो गई है। ये वो फीलिंग आपके पार्टनर की अपनी नई सुबह के साथ यहाँ पर बन रही है। डर्ट डिगिंग, इन्हें बेसिकली ना व्यूअर्स अब अपने आसपास काफी चीजें गंदी होती हुई नजर आ रही हैं, और इवन आपको लेकर भी इन्हें अपनी तरफ यही वाइब्स आ रही हैं। आप भी इनको एक गंदे इंसान के तौर पर देख रहे हो, जैसे कि होता है ना कि आप अभी इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे होंगे, आपको भी अभी इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ गंदगी, टॉक्सिसिटी, यही सब नजर आ रहा होगा, यही सब दिख रहा होगा, यही सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा ओवरथिंक की पर्सन कर रहे हैं। जैसे कि एक ऐसी वाइफ थी कि इन्होंने इतना कुछ करा आपके लिए, या एक वक्त में इतना कुछ कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन इनकी एक मिस्टेक ने इनकी इमेज को आपकी नजरों से पूरी तरह से उतार दिया। वो फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पर आपको लेकर भी अपनी नई सुबह के साथ बन रही है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये वन बाय वन हम ले रहे हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग है अपनी नई सुबह के साथ। स्प्रेड गाइड ब्रोकास्ट, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि देखो व्यूअर्स आपके पर्सन फाइनेंशियली वे में भी काफी ज्यादा अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें मुझे काफी टाइम से नजर आ रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं डेफिनेटली फाइनेंशियली वे में चोट तो इन्हें भी यहाँ पर लगी है, और इन्हें चोट पहुंचाने वाले कहीं ना कहीं वही चोर हैं जो इनके काफी करीब थे, या जिनको ये अपना काफी करीब मानते थे, या जिनके ये काफी ज्यादा करीब भी थे, चाहे वो इनके पिता हो, माता हो, इनके परिवार वाले ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखो उन लोगों ने इन्हें अपनी प्रॉपर्टी मान लिया था बजाय अपना बेटा या बेटी मानने के, और इसी रीजन के चलते उन्होंने यहाँ पर अपने ही बेटे या बेटी की दुनिया में आग लगा दी, चोरी कर ली। वो चीजें अब आपके पार्टनर की जिंदगी में अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी है।
पहले इन चीजों को आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे थे जैसे इसमें इन्हीं की भलाई है या वो इनका भला ही सोच रहे हैं, वो इनका बुरा क्यों सोचेंगे। लेकिन अब जब इन सभी चीजों में इस इंसान को भारी भरकम नुकसान पहुंच रहा है, तो अब ये वो पर्सन बन रहे हैं कि इस चीज को जानना चाह रहे हैं कि चोरी किसने करी, जबकि चोर कहीं ना कहीं इनकी आंखों के सामने है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मतलब चोरी करी है, या इसका ये मतलब नहीं है कि उनका इनके ऊपर राइट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्होंने अपनी खुशियों को या अपनी फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इनके आज और आने वाले कल को बर्बाद करा, तो इनसे बड़ा चोर कोई भी नहीं है। तो वही चीजें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है यहाँ पर, या वो सोच इनकी यहाँ पर बन रही है, या उस तरह का शक का बीज यहाँ पर डेवलप हो रहा है। पॉसिबिलिटीज है, उन्होंने भी एक व्यक्ति ने ऑफर ही दिया था और इन्होंने उस ऑफर को स्वीकारा था, लेकिन अब उस ऑफर को जो भी इन्होंने स्वीकारा उसमें अब इन्हें ना स्टेबिलिटी दिख रही है, ना इन्हें अपना कुछ बेहतर फ्यूचर दिख रहा है, और उसी चीज पर ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा गहन सोच कर रहे हैं, मतलब कि इन्होंने वो ऑफर लेकर गलत करा या सही करा उस तरह से। ये पर्सन अब अपने उन कार्मिक फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंकने की भी इच्छा अपने मन में रख रहे हैं, तो उसके चलते ये चांस बन रहा है कि ये पर्सन अब उनके ज्यादा करीब नहीं रहते हैं, उन्हें अपने करीब ज्यादा आने नहीं देते हैं, बजाय उनके करीब रहने के अधिकतर टाइम अपने आप को चुप रखते हैं, अपने आप से अपने आप को चुप रखने में ज्यादा ये पर्सन बिलीव कर रहे हैं। और अपनी नई सुबह में भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने शुरुआत ऐसे ही करी है कि ज्यादा किसी को अपने दिल की मन की अपने तन की ये नहीं देंगे, जितना जो भी इनके मन में होगा उसे अपने आप तक ही सीमित रखेंगे। तो आपके पार्टनर एक तो पहली चीज बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगे हैं व्यूअर्स, उस ओवर थिंक के चलते ही यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी हुई हैं तो कुछ चीजें यहाँ पर आपके पार्टनर को काफी ज्यादा खामोश भी कर गई हैं, यानी कि अब ये पर्सन अक्सर खामोश रहते हो तो इसमें कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं करा जाएगा। आपको भले ये चीजें लगती हो कि वो आप ही से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी अधिकतर टाइम चुप्पी अपने आप को रखते हैं, उस चुप रहने की एनर्जीज में इस इंसान को आपका प्यार तो याद आता है, लेकिन साथ में आपकी जिंदगी में इस रिश्ते में फैलाई हुई टॉक्सिसिटी भी आपके पार्टनर को यहाँ पर और चुप रहने के लिए जैसे बोल देती है, वो फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की इनकी नई सुबह के साथ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ऐसी फीलिंग है इनकी जैसे कि हाँ नई सुबह डेफिनेटली हुई है, लेकिन उस नई सुबह में कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है, वो फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की अपनी नई सुबह के साथ ज्यादा यहाँ पर बनती हुई व्यूअर्स दिखाई दी है। किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो और ये अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो वो मुझे स्थिति ज्यादा बनती हुई दिखी है। चलिए मैं आपके लिए देखती हूँ आपके पार्टनर की आपको लेकर सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर क्या सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं। डर्टी ऑफर को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि पास्ट में इस इंसान ने आपके पास एक ऐसा ऑफर भेजा या आपके सामने कोई ऐसा ऑफर रखा जो गलत था, जो बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं था, ठीक है। आपके पार्टनर उस चीज को उस दिए हुए ऑफर को ही इस वक्त में अपनी नई सुबह के साथ याद कर रहे हैं, क्योंकि वही गलत ऑफर आप दोनों के इस रिश्ते को ग्रो होने से रोक गया, वही गलत ऑफर इस इंसान को ये चीजें समझा रहा है कि यही ऑफर आप दोनों को पास होकर भी काफी ज्यादा दूर कर गया, या यही ऑफर आप दोनों को सिर्फ यादों में छोड़ गया बजाय यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ बेहतर करने के। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा ऑफर दिया था, हो सकता है यहाँ पर ये चांसेस कि ये पर्सन ये चाहते थे कि आप बिना शादी के इस रिश्ते में इनके साथ रहो, दोस्ती तक इस रिश्ते को बनाए रखो, या ये आपसे हो सकता है आप अभी इस रिश्ते में किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे, किसी तरह से इस रिश्ते में बहुत करीब नहीं आना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आपके सामने वो ऑफर रखना चाह रहे थे, या अगर आप शादीशुदा हैं तो ये पर्सन ये चाह रहे थे कि आपके पास
ना रहकर ये कहीं और रहे, मतलब आपसे अलग रहे, नाम का बस एक रिश्ता रह जाए, तो इस तरह से कोई ऐसा ऑफर इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़ा जो डेफिनेटली गलत था, टॉक्सिक था, और आपके पार्टनर उसी दिए हुए ऑफर को अपनी जिंदगी में आज अपनी ग्रोथ को रोकने की वजह मान रहे हैं। वो फीलिंग इनकी सुबह से लेकर अब तक की बनती हुई दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें हैं कि ये जो भी ऑफर इन्होंने आपके सामने रखा, ये अकेले इनकी दिमाग की उपज नहीं थी, डेफिनेटली इसके पीछे कोई तो था जो इसने यहाँ पर ये ऑफर आपके सामने रखवाया था। व्यूअर्स, ऑब्सेसिव लवर को लेकर, व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके सामने वो ना सिर्फ केवल ऑफर रखा, इन्होंने उन चीजों को लेकर काफी चीजें बहुत मैन्युपुलेटिव वे में भी आपके सामने रखी, और यही रीजन बन रहा है इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने आपके सामने ऑफर रखा ना, वो कहीं ना कहीं साफ साफ चीजें क्लियर कर गया आपके सामने, कितने अनहेल्दी बन गए हैं, कितने टॉक्सिक बन गए हैं, या कितने ज्यादा आपके लिए ये खतरे वाली झंडी लहरा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि आप अगर इनके उस ऑफर को स्वीकार भी लेते हो तो कल का क्या पता, कल ये पर्सन आपको बीच रास्ते में छोड़ जाए, बीच मसार पे छोड़ जाए, और वही सभी चीजें एक्चुअली में हुई भी। तो आपके पार्टनर को यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रही है कि अब अगर ये आपको अपना ऑब्सेशन दिखाते भी है ना, अपनी दीवानगी, अपना प्यार आपको दिखाते भी है, तो आप उस चीज पर यकीन नहीं कर पाओगे इनके सिर्फ मात्र एक बीते दिनों में लिए हुए गलत एक्शंस की वजह से। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अनफेज्ड को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी है, स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। जजमेंट, इनको ऐसा लग रहा है, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप शायद इन पर तब यकीन करोगे जब ये शायद पुनर्जन्म ले लें, या फिर ये सभी चीजों को लेकर एक अपना पनिशमेंट ये पर्सन फेस कर ले, या उन सभी चीजों को लेकर जब ये पर्सन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उनकी क्लैरिटी आपको दे दे, तभी शायद अब आप इन पर यकीन कर पाओगे, या तभी शायद अब आप इनके बारे में सोच पाओगे। इन्हें खुद इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप इन्हें अब उस वक्त में वो गंदगी मान रहे हो, इनकी यादों को वो गंदगी मान रहे हो जिसमें आप फिर से पत्थर नहीं फेंकना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है पत्थर फेंकने के बाद कीचड़ आप पर भी उछलेगी। तो ये सभी चीजें आपके पार्टनर अब सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ तो इन्होंने पास्ट में ऐसी चीजें करी है व्यूअर्स, डेफिनेटली जो ये पर्सन खुद भी माफ नहीं कर पा रहे हैं, फिर उन चीजों को लेकर आपसे माफी मांगना या उन चीजों के लिए आपका इन्हें माफ करना, इस तरह का सवाल ही नहीं उठता। ये सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा ये पर्सन ओवर में थिंक कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन। थीफ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। थीफ को लेकर फीलिंग क्या है व्यूअर्स की। फाइव ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट है व्यूअर्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अब ये जो भी सिचुएशन है डेफिनेटली इस इंसान से बिल्कुल भी हैंडल नहीं करी जा रही है, यानी कि ये जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर गई, बांध गई, क्योंकि करने वाले ये थे, भले करवाने वाले और थे, भले समझाने वाले और थे, भले बातें किसी और की थी, लेकिन करने वाले तो ये पर्सन बने ना, और यही चीजें आपके पार्टनर के हाथ पैर को पूरी तरह से यहाँ पर बांधे पड़ी हैं, सिवाय इन्हें अपने हिस्से रिग्रेट के, अफसोस के, गिल्ट के, और कुछ नजर नहीं आ रहा, या ये सभी चीजों को लेकर एक डिसअपॉइंटमेंट के चलते इस इंसान को कुछ और चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं अपनी नई सुबह के साथ। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक वक्त पे आपको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे जिसके चलते सिर्फ आप बंद कर रह जाते, लेकिन अब ये पर्सन अपने खुद के हाथ पैर यहाँ पर अपनी नई सुबह के साथ काफी ज्यादा बंधा हुआ तो पा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें भी हैं जिन थर्ड पार्टी का साथ देने के लिए संसार ने आपका साथ छोड़ा, कहीं ना कहीं उन थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन के साथ ज्यादा दूर चलना एक्सेप्ट नहीं करा, वो चीजें मैं यहाँ पर देख पाई हूँ व्यूअर्स, जिसके बारे में ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा सोच रहे हैं। अब तो एक ऐसी फीलिंग है जैसे ये ट्रैप्ड होकर रह गए, दूसरों की बातों में उलझ कर रह गए,
ठीक है, वैसी फीलिंग इनकी है। या एक होता है ना कि भाई किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वो इनकी सोच में यहाँ पर साफ साफ है। बॉस और डैडी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। बॉस और डैडी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक की क्या है, स्प्रिट गाइड। नाइन ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर डेफिनेटली उनके साथ रहकर काफी ज्यादा उन्हीं को लेकर अब नेगेटिव तो हो चुके हैं, साथ डेफिनेटली रह रहे हैं। मैं इस चीज से आपसे इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन साथ रहने की वजह मुझे कोई डर यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है, जिसके चलते ये उनके साथ रह रहे हैं। चाहे तो फिर इनकी बीते दिनों की गलतियां हो जिसके डर की वजह से साथ रह रहे हो, या उनके थ्रू इनके मन में किसी तरह का डर डाला गया हो, जैसे कि उनके दूर जाने का, उनके छोड़ जाने का, उस तरह का डर जो आपके पार्टनर को रातों रातों सोने भी नहीं देता। और वो जो चीजें आपके पार्टनर को ना चाहकर भी यहाँ पर ही मेहनत करने के लिए, अपना एफर्ट्स डालने के लिए इन्हें बोल रहा है, यानी कि ये समझ रहे हैं कि उस जगह पर काम कर रहे हैं जहां से बदले में इन्हें कुछ मिलना नहीं है, लेकिन अपने उस डर की वजह से ये पर्सन यहाँ पर लगे पड़े हैं। वो मैं इनकी स्थिति अब ज्यादा बनती हुई देख पा रही हूँ। जैसे कि एक होता है ना कि जाना इनकी मर्जी था, लेकिन वहां से निकलना अब उनकी मर्जी है, वो चीजें यहाँ पर ज्यादा इनकी लाइफ में बनती हुई इन्हें भी फील हो रही है। आपको याद करके भी यहाँ पर आपके पार्टनर काफी ज्यादा एक रिग्रेट में अपने आप को पा रहे हैं, एज इन की इन्हें मेहनत कहाँ करनी थी, ऑफर इन्हें कहाँ देना था, इन्होंने कहाँ दिया। इन सभी चीजों को अब आपके पार्टनर काफी ज्यादा बैठकर यहाँ पर डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, कार्मिक फ्रेंड्स को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है, स्प्रिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। कार्मिक फ्रेंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स बताइए, डिवाइन। मून, देखो अपने फ्रेंड्स को लेकर इस इंसान के काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, उस तरह की सिचुएशन बन रही है, या अपनी फ्रेंड्स को लेकर भी इस इंसान के दिल में ये चीजें ज्यादा जाग रही है कि सिर्फ एक भ्रम मात्र था, यानी कि इन्होंने उन्हें सच्चाई समझा, इन्होंने उस सच्चाई के पीछे भागने की कोशिश करी, लेकिन वो सिर्फ मात्र इल्यूजन था, भ्रम था, उसके पीछे कोई सच नहीं था, या उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, राज थे। ये सभी चीजों को लेकर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी नई सुबह के साथ यहाँ पर समझ रहे हैं कि शायद मेरा कोई बुरा कर्मा ही मेरे यहाँ पर सामने आया, लेकिन अब उस बुरे कर्मा से कैसे फ्री हुआ जाए, कैसे आजाद हुआ जाए, ये सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा जगलिंग जैसी एनर्जीज आपके पार्टनर की बन रही है। एट ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर रिवर्स में आया है, जो साफ साफ बता रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स आपसे बात करने की इच्छाएं तो रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आज अपनी करंट सिचुएशन को लेकर इतने फ्रस्ट्रेट ये हो चुके हैं, जिसके चलते बजाय यहाँ पर ये बात करने के सभी चीजों को डिलेस के प्रोसेस पर जाते हुए खुद देख रहे हैं। यानी कि जो जैसे होता है ना, सोचा था क्या और क्या हो गया, या जो इंसान चाहता है जैसे चाहता है वैसा नहीं होता, उन्हीं सभी चीजों के बीच में आपके पार्टनर अपनी नई सुबह के साथ उलझे भी पड़े हैं, और उन सभी चीजों को देख देख कर अपने आने वाले कल को लेकर भी काफी ज्यादा ये वरीड हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वो चीजें हैं, तो चुप हैं, एकदम खामोश हैं ये पर्सन इस चीज में, मुझे कोई डाउट यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब ना स्थिति यहाँ पर बोलने की रही नहीं गई है, क्योंकि सामने वाला अगर आपको समझे ही ना तो आप बोलो ना बोलो मैटर ही नहीं करता है, तो वो चीजें अब इन्हें ज्यादा लग रही है। हालांकि मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, अगर ये बात करते तो क्या बात करते, क्या कन्फेस करते, तो इनके कन्फेस करने के मैसेज देख लेते हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीजों के चलते कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं व्यूअर्स से, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स से कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं, स्प्रिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। डे ड्रीम, बेसिकली आपसे यही कन्फेस करना चाह रहे हैं कि ना सिर्फ केवल अब ये आपके ख्वाब
सोती आंखों से देखते हैं, ये जागती आंखों से भी बस और बस आपका ख्वाब देखते हैं, आपको अपने साथ देखते हैं और देखना भी चाहते हैं, क्योंकि वही ख्वाब तो इन्हें जिंदा रखे हुए है, वही ख्वाब तो इन्हें जीने की आस दिए हुए है, वही ख्वाब तो इनके दिल में यहाँ पर फिर से जीने के लिए या जीते रहने के लिए इन्हें बोल रहा है, या वही ख्वाब तो इस इंसान को यहाँ पर रियलिटी दिखा रहा है, बजाय उस भ्रम में रहने के या उस भ्रम से बाहर निकाल रहा है, ये पर्सन आपसे ये कन्फेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंस्पायर, इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भले ये उस वक्त पे इस चीज को नहीं समझ पाए कि आपके साथ की वजह से ये अपनी जिंदगी को लेकर, आने वाले कल को लेकर इंस्पायर हुए, मतलब आप इनके एक इंस्पिरेशन हो, या जिस चीज को लेकर इन्हें प्राउड फील करना चाहिए था, इन्होंने उस वक्त पे भले इस चीज के लिए इंस्पायर आपको नहीं करा हो, लेकिन अभी अपने आप को उन चीजों से करने से भी नहीं रोक पा रहे हैं। कहते हैं ना व्यूअर्स की, देखो सामने कही हुई तारीफ नहीं होती, सामने कही हुई चापलूसी होती है, लेकिन बैक के पीछे कही हुई एक्चुअली में असल मायने में तारीफ होती है। तो वही इनका मैसेज यहाँ पर आया है। डिवाइन टाइमिंग, कहना चाह रहे हैं कि अगर वक्त में के हाथों में होगा या अगर नसीब में होगा तो डेफिनेटली हम फिर से मिलेंगे, या डेफिनेटली इस गिल्ट से बाहर भी आएंगे, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। कार्मिक बैटल, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखो अभी अपने इस कार्मिक बैटल में हैं, उसमें उलझे हुए हैं, यानी कि अपने पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के जो भी इन्होंने कर्मास बनाए हैं, अभी लड़ाई सिर्फ अकेली इनकी है उनके साथ, तो उसमें ऑब्वियसली आपका होना, आपका रहना तो यहाँ पर मैटर ही नहीं करता। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये अकेले इनकी लड़ाई है, जिसमें जीतना भी इन्हें है और लड़ना भी इन्हें है। हालांकि बात करने की आपसे इच्छा बहुत बार उठती है, लेकिन ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे कि अभी नहीं चाहते कि आपको फिर से झूठी उम्मीदों में बांध दिया जाए, या अपने आप को झूठी एक्सपेक्टेशंस में रखकर यहाँ पर अपने आप को और अपनी लड़ाई लड़ने से रोक दिया जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। इसी रीजन के चलते ये बजाय आपसे कुछ कहने के, या आपके मन में अपने आप को लेकर एक्सपेक्टेशंस रखने के, अपने आप को शांत करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपको क्या करना चाहिए व्यूअर्स, आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ डिवाइन के। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीजों के चलते मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज, स्प्रेड गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एस्केपिस्ट, विच एंड नॉस्टैल्जिया, आपसे ये बोला जा रहा है बेसिकली व्यूअर्स, आपको भी ना अपने अतीत में अपने आप को ज्यादा नहीं रखना, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं कि आप भी अपने आप को उस पास्ट में ज्यादा रख रहे हो, जो पास्ट आपको दर्द भी दे रहा है, जो पास्ट आपको आगे बढ़ने से भी रोक रहा है। जब तक आप अपने आप को उस पास्ट में रख रख कर देखोगे ना, तब तक आप कहीं ना कहीं अपने आप को, जो आपको कम्फर्ट माहौल दिया गया है, जो आपको कुछ करने की वजह दी गई है, आप उस पर भी यहाँ पर फोकस या अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो ये आपके लिए आज के इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दिया गया है व्यूअर्स, कि देखो अगर आपको एक्चुअली में असल मायने में यहाँ पर अपने हिस्से न्याय लिखना है, अपने हिस्से न्याय आपको लेकर आना है, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली फॉर श्योर व्यूअर्स अपने आप को सबसे पहले कम्फर्ट माहौल देना होगा, या अपने आप पर आपको सबसे ज्यादा पहले यहाँ पर वर्क करना होगा, यहाँ पर इनकी यादों से निकाल कर आपको अपने आप को अपने आप में रखना होगा, तभी जाकर यहाँ पर आप वो चीजें हासिल कर पाओगे व्यूअर्स जो आपकी हैं, ठीक है। यानी कि न्याय आप ही का है, आप ही को मिलेगा और जरूर से मिलेगा, ये आपसे डिवाइन की तरफ से एज अ गाइडेंस बोला गया है। तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी अच्छी गाइडेंस रही, अगर आप कनेक्ट कर पाए तो बताइएगा जरूर। चैनल पर आप लोग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जरूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।